नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आम बजट में वित्त मंत्री ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत, व्यवसायी वर्ग ने केंद्रीय बजट पर जताई निराशा। नौगछिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, मौके पर हुई दोनों की मौत, ग्रामीण हुए आक्रोशित। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, दूसरी पाली की परीक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर छात्राओं ने किया हंगामा। बांका में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 3 महिला समेत 1 दर्जन लोग हुए घायल। और भागलपुर में ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ने किया मिडकॉन सेमिनार का आयोजन, देश विदेश के डॉक्टरों ने नई तकनीक पर भी की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में देश का केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। कोरोना वायरस के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट आपदा में अवसर ढूंढने वाला है। बजट को इस फोकस के साथ तैयार किया गया है कि यह अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को सहारा दे सके। वहीं बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया। हेल्थ सेक्टर के बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया। वहीं रोड और हाईवेज को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई। अब 75 साल से ऊपर के ऐसे लोगों जिनकी आय पेंशन या ब्याज से होती है, उन्हें अब टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। इधर केंद्र बजट पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला समेत व्यवसायी वर्ग और बुद्धिजीवियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और लोगों ने बताया कि यह एक मिला जुला और सामान्य बजट है। वहीं केंद्र बजट में बिहार और भागलपुर के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं होने से व्यवसायी वर्ग में मायूसी छाई हुई है। मैं आपको बता दूं, न तो युवकों को रोजगार मिलने जा रहा है इस बजट से, न यहाँ महंगाई घटने जा रही है, और किसानों को जो आप डीजल का रेट 4 रुपये बढ़ाए हैं, किसानों की लागत में वृद्धि होगी और किसान को सही कीमत नहीं मिलेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी चरमराएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बजट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बिहार के लिए अलग से कोई बात सामने नहीं आई है। बिहार को बहुत ज्यादा उम्मीद थी केंद्रीय बजट से, वैसी कोई बात बजट में खुलकर नहीं आई है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई उज्ज्वला योजना है, स्टार्टअप योजना है, इन सबों को पर ही फोकस किया गया है, हेल्थ पर फोकस किया गया है। और चुनावी बजट रखा गया बंगाल में, केरला में, इत्यादि जगह पर जो जहां जहां चुनाव है। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जाह्नवी चौक पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में पति और पत्नी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चंद्रभूषण चौधरी और उसकी पत्नी रानू कुमारी के रूप में हुई है। बता दें, रानू कुमारी महिला 33 स्कूल में आदेश पाल की नौकरी करती थी। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि ग्रामीणों द्वारा ट्रक चालक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर परवत्ता थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत सोमवार को हो गई। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर भागलपुर के सभी परीक्षा केंद्रों पर शिक्षा विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जबकि पहले दिन फिजिक्स विषय की परीक्षा हुई। भागलपुर के SM कॉलेज परीक्षा सेंटर समेत कई सेंटरों पर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि परीक्षा की दूसरी पाली में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कुछ देर के लिए छात्राओं के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया, जिसकी जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमारी, सिटी ASP पूरन झा और सार्जेंट मेजर KK शर्मा मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया। बता दें कि कॉलेज प्रशासन की ओर से पहली और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन नोटिस बोर्ड नहीं लगाने के कारण दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को देर हो गई और काफी देर तक कॉलेज के गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। वहीं बांका जिले में भी इंटरमीडिएट की पहली परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
सबको अलग अपनी सीट पर बैठाया गया था। क्वेश्चन अच्छा रहा, क्लास बंद था, भी अच्छा था। अमरपुर प्रखंड के सुल्तानपुर पंचायत अंतर्गत नया टोला हसनपुर गांव में सोमवार को दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। दरअसल हसनपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए दान दी हुई जमीन का जबरन गांव के ही मोहम्मद अहमद रजा ने अतिक्रमण करने का जब विरोध किया तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं जानकारी मिलते ही जमीन विवाद का निपटारा करने पहुंची अमरपुर सीओ स्वाति कृष्णा को देखते ही दोनों पक्षों के ग्रामीण भड़क गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में पत्थरबाजी, लाठी डंडों और तलवार के साथ शुरू हुई मारपीट खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। हमले में दोनों पक्षों से 3 महिला समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अमरपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया। मामले को लेकर मोहम्मद नियामत ने बताया कि गांव में दान की गई मस्जिद के 8.5 जमीन पर गांव के ही मोहम्मद अहमद रजा ने जबरन अपने शागिर्दों के साथ मिलकर कब्जा करने की नीयत से 7 फीट का ऊंचा दीवार खड़ा कर दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना के इंस्पेक्टर वकील प्रसाद यादव और थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। भागलपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की ओर से बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का मिडकॉन कॉन्फ्रेंस तिलकामांझी स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम में कई वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न राज्यों के हड्डी रोग विशेषज्ञ ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके पूर्व रोहतक से पहुंचे डॉक्टर एनके मागू, एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, डॉक्टर सोमेन चैटर्जी, डॉक्टर अमर कुमार, कोलकाता के डॉक्टर राजीव रमन समेत देश विदेश से जुटे चिकित्सकों ने नए चिकित्सा अनुसंधान और सर्जरी के बारे में बताया। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि अब कुल्हे की हड्डी टूटने पर उसे बदलने की जगह रिपेयर करने से भी इंसान सामान्य जीवन जी सकता है। वहीं कॉन्फ्रेंस में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने ऐलान किया कि डॉक्टरों के लिए एक फंड तैयार होगा और अगर किसी डॉक्टर को गंभीर बीमारी होती है तो उससे उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। आज का ये कॉन्फ्रेंस कई मायनों में बहुत कामयाब रहा। इसमें कई नई विधाओं पर चर्चा हुई, खासतौर से हमारा जो शरीर है उसके कुछ अंगों को, जैसे हिप है, उसको हम लोग बदल दिया करते थे, उसके बदले स्टील का हिप लगा दिया करते थे, नी ज्वाइंट में स्टील का नी ज्वाइंट लगा दिया करते थे। उनको कैसे बचाया जा सके, उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, मैं डॉक्टर राजीव रमन हूँ कलकत्ता से और मैं आर्थोस्कोपी सर्जन हूँ, दूरबीन द्वारा मेरी झिल्ली का इलाज करता हूँ। तो आज के दिन मैं लोगों को बताऊंगा कि घुटने के जो झिल्ली है, लिगामेंट है, वो नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन में इंजरी ज़्यादा होती है। जैसे चलते चलते आपका पैर घूम जाता है या आप खेलते हुए आपका पैर घूम जाता है, इसमें घुटने में सूजन आती है, घुटना कभी कभी फॉल्स होने लगता है, कभी वो लॉक हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों का उपचार जो है खिलाड़ियों में या फिर जिनको चोट लग जाती है बच्चों में, उनका हम लोग दूरबीन से करते हैं। काफ़ी दिनों बाद जो ये कॉन्फ्रेंस किया गया भागलपुर में, और ये बिहार ऑर्थोपेडिक का जो कॉन्फ्रेंस था जो पिछले साल नहीं हो पाया था, उसको हमने छोटे स्तर पे बहुत कम समय में करने की कोशिश की है। हमारे बाहर से जो गेस्ट आए थे उन्होंने विभिन्न विधाओं पर, हड्डी रोग के विभिन्न विधाओं पर, अलग अलग अंग के नए जो प्रणाली विकसित हुई है, इलाज की पद्धति जिससे कि मानवता की सेवा हो सके। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के किशनपुर पंचायत के कोटाहा NH 80 पर हाईवा व मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने से महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान चंद्रशेखर यादव की पत्नी नूतन देवी के रूप में हुई है। बता दें, मोटरसाइकिल चला रहे चंद्रशेखर यादव भी इस हादसे में जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर अकबरनगर थाना पुलिस, सुल्तानगंज थाना पुलिस और अंचलाधिकारी शंभु शरण राय दलबल के साथ मौके पर पहुंच घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए NH 80 को जाम कर दिया और प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगे। इसी के साथ पुलिस बलों ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को मुआवजे का आश्वासन देते हुए शांत कराया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा,
भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सनहौला में पैक्स चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की काफी भीड़ भी देखी जा रही है। नामांकन के दूसरे दिन सोमवार को विभिन्न पैक्सों के अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 लोगों ने नामांकन कराया। सनोखर पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों ने नामांकन कराया, जिसमें उमेश प्रसाद शाह, गोविंद यादव, गौतम शाह और मोतीलाल भगत उर्फ अक्कू भगत शामिल रहे। वहीं ताड़र मकरपुर पैक्स से अर्जुन शाह और किशोरी देवी, सनहौला से विश्वजीत यादव, बेजाचक से मोहम्मद रिजवान भुड़िया, महियामा से ओम शंकर सिंह, मधोपुर बथानी से जयकांत सिंह, भोला यादव, आरर से अब्दुल्ला और मोहम्मद रफीक आलम, चकमजा से ज्योतिष शाह और अभयकांत यादव, मदरागंज अदलपुर से मिथुन महतो और सुशील कुमार ने नामांकन कराया। वहीं नामांकन के बाद मोतीलाल भगत उर्फ अक्कू भगत ने कहा कि पैक्स के माध्यम से किसानों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी और चुनाव जीतने के बाद सनोखर में राइस मिल लगाया जाएगा। किसानों के लिए रात दिन काम करूंगा और किसानों के लिए धान जो है, जो मैंने जो सरकार का जो अति है उसको सारा किसान से लेंगे और सबका अति होगा। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के नए प्राचार्य प्रोफेसर केसी झा को बनाया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के निर्देश पर कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने पत्र जारी कर यह जानकारी दी। वहीं आज नए प्राचार्य डॉक्टर केसी झा ने योगदान दे दी। बता दें, इसके पूर्व डॉक्टर गुरुदेव पुद्दार मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य थे और 31 जनवरी को उनकी सेवा अवधि पूरी हो गई थी, जिसके बाद प्राचार्य पद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इधर सोमवार को कॉलेज में डॉक्टर केसी झा का स्वागत विद कमेटी के सज्जन किशोर पुरिया, रामगोपाल पोद्दार समेत कई शिक्षकों और कर्मियों ने किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद प्राचार्य ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कॉलेज को नैक से ए ग्रेड दिलाना है। हमारी प्राथमिकता होगी सबसे पहले छात्रों को हम ज्यादा इम्फेसिस देंगे और छात्र के सुख सुविधा को ज्यादा से ज्यादा मिले, उसका क्लास कम से कम स्थगित हो, शिक्षकों की कमी है और सर्वपूर्ण प्राचार्य प्रोफेसर गुरुदेव पुद्दार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और कॉलेज के प्रतिष्ठा में हम 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। मारपीट की घटना को देखने जाना एक व्यक्ति के लिए जी का जंजाल बन गया। मामला भागलपुर पुलिस जिला नौगछिया के बेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देर शाम कुछ लोगों के बीच हो रहे मारपीट में मिथिलेश यादव को गोली लग गई और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी मिथिलेश यादव को आनंद फानन में इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाबत घायल मिथिलेश यादव ने बताया कि उसके पड़ोसी के साथ रवीश यादव, सकलदेव यादव और पप्पू यादव की मारपीट हो रही थी, तभी वह कुछ ग्रामीणों के साथ मौके पर झगड़े को रोकने पहुंचे तो अपराधियों द्वारा उन सभी को वहां से भाग जाने की धमकी दी गई। वहीं लौटने के क्रम में पीछे से उन पर गोली चला दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बीहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ताजा मामला भागलपुर के गोराडी का है, जहां गोराडी पूर्वी क्षेत्र के प्रत्याशी अमर आशीष पटेल और जयचंद सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें अमर आशीष को चुनाव नहीं लड़ने की बात कही जा रही है। बता दें कि इसी को लेकर गोराडी पूर्वी क्षेत्र की प्रत्याशी दिव्या सिंह के पति देवेंद्र भारती उर्फ डब्लू सिंह पर साजिश के तहत अमर आशीष पटेल को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वायरल ऑडियो में कहीं भी डब्लू सिंह या जिला परिषद चुनाव की प्रत्याशी दिव्या सिंह की कोई चर्चा तक नहीं हुई है। वहीं जिला परिषद प्रत्याशी के पति डब्लू सिंह ने प्रत्याशी को धमकी दिए जाने के मामले में किसी प्रकार के संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखकर विरोधी पक्ष इसकी साजिश कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जाए।
साथ ही कहा कि चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत है और किसी भी प्रत्याशी से उनका कोई विवाद नहीं है। देखिए, ये सब विपक्षी का साजिश है जो हमारे प्रति जो इस तरह से जो माहौल क्रिएट किए, जो वायरल किए, उसमें मेरा दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। अब मेरा जनता का प्यार मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। हम हृदय दिल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम हृदय दिल से नॉमिनेशन कराएंगे, जनता हमारे साथ है, मैं विजयी बनूंगा। भागलपुर में हुए सड़क हादसे में एक 60 वर्ष वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान सनहौला थाना क्षेत्र के सिरीचक गांव निवासी योगेंद्र मंडल के रूप में हुई है। वही घटना को लेकर मृतक के पुत्र धर्मेंद्र मंडल ने बताया कि शनिवार की देर रात योगेंद्र मजदूरी करके ट्रैक्टर से लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वृद्ध योगेंद्र मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। इधर योगेंद्र की मौत से परिजन काफी सदमे में हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के भिरकुट पंचायत के सैकड़ों किसानों का पैक्स प्रबंधक द्वारा धान की खरीदारी नहीं करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर किसान राकेश कुमार ने बताया कि उन लोगों ने एक माह पहले ही धान बेचने हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया था, लेकिन अब तक धान का उठाव नहीं हुआ, जिसकी आवेदन नोनसर पैक्स प्रबंधक प्रशांत कुमार और बीसीओ रागिनी कुमारी को जमा किया गया। वहीं एक अन्य किसान ने बताया कि उन लोगों से पैक्स प्रबंधक द्वारा ट्रैक्टर भाड़ा 21 रुपये प्रति मन वसूला जा रहा है, जिसे लेकर लगातार किसानों को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में रागिनी कुमारी ने बताया कि किसानों से बातचीत कर धान उठाव किया जाएगा। बीसीओ साहब और पैक्स अध्यक्ष साहब जो अत्याचक नॉनसर पैक्स के हैं उनके पास भी गए और सचिव महोदय के पास भी गए। फोन करते करते और मिलते मिलते थक गए। आज कल करते करते आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, सारा कागज डॉक्यूमेंट भी हम लोगों ने जमा कर दिया। पीरपैंती बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली उपभोक्ताओं ने आज सेरमारी में बैठक की। बैठक के बाद उपभोक्ताओं ने विभाग पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं कार्यालय में जेई के अनुपस्थिति में कार्यालय सहायक को ज्ञापन देते हुए 4 फरवरी को ब्लॉक का घेराव करने की बात कही गई। मौके पर राजद अध्यक्ष रंजीत शाह, समाज सेवी बुलबुल सिंह सहित अन्य बिजली उपभोक्ता मौजूद थे। 20 तक 3,000 रुपया लेकर सारा पिछला बकाया माफ कर दे और 1 जनवरी 2021 से जितने उपभोक्ता हैं सबका मीटर रीडिंग 0 कर दिया जाए और बिजली बिल सही ढंग से लिया जाए। जनता इसके लिए तैयार है और अगर कोई भी बिजली विभाग का ऑफिसर, पदाधिकारी, कर्मचारी, लाइनमैन किसी भी लोग का बिजली काटने का कोशिश करेगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। पीरपैंती खबासपुर उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित खबासपुर क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला पश्चिम बंगाल अंडाल और माँ काली क्लब दिलौरी के बीच खेला गया। फाइनल मैच में पश्चिम बंगाल अंडाल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसमें अंडाल टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में ऑल आउट होकर 171 रन बनाए। वहीं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी रोहित और मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी दीपक को दी गई। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आम बजट में वित्त मंत्री ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत, व्यवसायी वर्ग ने केंद्रीय बजट पर जताई निराशा। नौगछिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, मौके पर हुई दोनों की मौत, ग्रामीण हुए आक्रोशित। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, दूसरी पाली की परीक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर छात्राओं ने किया हंगामा। बांका में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 3 महिला समेत 1 दर्जन लोग हुए घायल। और भागलपुर में ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ने किया मिडकॉन सेमिनार का आयोजन, देश विदेश के डॉक्टरों ने नई तकनीक पर भी की चर्चा। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।